गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ जाजपुर ओडिशा, कलिंगानगर टाटा स्टील प्लांट। वहाँ मेरे एक कंपनी काम है कल, तो मैं हाता होते हुए जा रहा हूँ। हाता जो मीन्स आपका स्टेशन के रूट से हाता होते हुए निकलते हैं। पहले जो मैं गया था मीरा मंडली अंगुल की तरफ, वो था रास्ता मेरा चाईबासा जगन्नाथपुर होते हुए, और ये रास्ता थोड़ा अलग है। ये मुझे हाता सीधा जाना है, दाहिने नहीं मुड़ना है। तो अभी सफ़र पर मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, इस उम्मीद है कि मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग भी इंजॉय करूँगा, खुद से बातें करूँगा, वादियों का मज़ा लूँगा, पहाड़ों की खूबसूरती को देखूँगा, खूबसूरत गाँव को देखूँगा, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो गाइस, बने रहे मेरे साथ वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिलती रहे। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। अभी मुझे यहीं से सीधा स्ट्रेट निकलना है, बस हाता कंप्लीट होने में 2-3 किलोमीटर बाकी है। गाड़ी रेडी है मेरी, मेरी बैग रेडी है, चलते हैं खूबसूरत सफ़र के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हाता क्रॉस कर चुका हूँ। अभी मैं गूगल मैप लगाऊंगा मोबाइल पे, क्योंकि ये लोकेशन का मुझे एग्जैक्ट नॉलेज है नहीं, तो लोकेशन मार के इस लोकेशन पे जाना है। तो अभी गूगल मैप पे अपना लोकेशन लगा देता हूँ, जाजपुर का कलिंगानगर, और आगे कुछ खूबसूरत लोकेशंस पड़ेंगे तो उसको ज़रूर कैप्चर करूँगा और शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। सो अभी मैं रुका हूँ जामकसा, एक उड़ीसा का लोकेशन है। बहुत लंबी ड्राइव करने के बाद अभी थोड़ा रेस्ट लूँगा यहाँ 10 मिनट, क्योंकि बहुत लंबी ड्राइव किया हूँ, लगभग 2 घंटे कंटिन्यू मैंने ड्राइव की है। बिल्कुल गांव एरिया है ये, बट यहाँ की सड़क बहुत अच्छी है, गाड़ी ड्राइव करने बड़ी मज़ा आ रहा है। और वेदर धूप है, मगर अभी मॉर्निंग का टाइम है, वेदर ठंडा है। अभी थोड़ा चाय पीऊँगा यहाँ पे, चाय पीने का थोड़ा रेस्ट करूँगा, रेस्ट करने के बाद फिर आगे बढ़ूँगा। अभी लगभग मेरा 150 किलोमीटर और बचा है जाजपुर, तो ये भी उड़ीसा का एरिया है। गाड़ी को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, अभी कंटिन्यू 2 घंटे से गाड़ी चली है। तो गाइज अभी हाँ मेरा रेस्ट हो गया है 10 मिनट का, 10-15 मिनट समथिंग हो गया है। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, अभी लगभग 160 किलोमीटर और बचा है मुझे जाजपुर पहुँचने में। वेदर ठीक है, ठंडा है, तो गर्मी का मौसम नहीं है करके ट्रैवल में उतनी परेशानी नहीं हो रही है। और यहाँ चाय बहुत अच्छी मिल गई। अब बिल्कुल गाँव एरिया है ये उड़ीसा का, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल हरा भरा एरिया है ये, और हाईवे है। तो चलते गए अंदर, भी ज़्यादा रुकूंगा नहीं क्योंकि मुझे टाइम पे पहुंचना है वहाँ। तो मिलते हैं आगे, और कुछ जगह रुकूंगा, नए लोकेशन पे वीडियो बनाऊंगा, तो बने रहे मैं सर वीडियो में। तो गाइस अभी मैं यहाँ रुका हूँ, थोड़ा गाड़ी की जो चेन है मेरी बहुत ड्राई हो गई थी, तो थोड़ा गाड़ी की चेन में मोबिल डला लूँ। अभी मैं उड़ीसा में ही गांव एरिया में चल रहा हूँ। सुन ना, ये अच्छा ला मोबिल डाल रहा ना, जला मत डालना। हल्का बाहर भी मार दे तू, चेन बिल्कुल ड्राई हो गई है। बस ठीक है, अभी मुझे जाजपुर पहुंचने में और अभी लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा। यहाँ से 98 किलोमीटर है जाजपुर, तो थोड़ा यहाँ छाया अच्छा है, धूप तेज़ हो गई है, हल्का हल्का गर्म स्टार्ट हो रहा है। अभी थोड़ा सा यहाँ रेस्ट ले लूँ मैं अभी, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये बिल्कुल गांव एरिया है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे लोकेशंस हमें शहर में मिलते नहीं हैं। तो मुझे बाइक में ट्रैवल करने इसलिए मज़ा आता है क्योंकि अपनी मर्ज़ी से चलता हूँ, और प्लस कुछ खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन पर रुकता हूँ, यहाँ तो रिलैक्स होता हूँ, कुछ वीडियो कैप्चर करता हूँ, कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर करता हूँ, एक मेमोरीज़ हो जाती है बहुत खूबसूरत सी। ये पूरा जंगल एरिया है, गांव है, छोटे छोटे गांव हैं बीच में, पूरा कंप्लीट जंगल एरिया है। यहाँ हाथी भी
क्रॉस करते हैं रात में, अक्सर बहुत सी जगह बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ हाथी क्रॉस करने का एरिया है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे गांव है, मिट्टी के घर है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हाईवे है, सड़क बहुत अच्छी है, तो गाड़ी ड्राइव करने मज़ा आ रहा है। ये सब गांव की लाइफ बहुत प्यारी होती है, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है मीन्स शहर में जैसे जिस तरह हम लोग परेशान होते हैं उस तरह इनकी ज़िंदगी नहीं है, ये बड़ी रिलैक्स लाइफ गुजारते हैं, तो ऐसे ऐसे गांव मिलने से बहुत मज़ा आता है। तो अभी यहाँ 10 मिनट और रुकूंगा, उसके बाद मैं बढ़ूंगा आगे। अभी मेरा जो डेस्टिनेशन है आने में लगभग मुझे और 2 घंटे का वक्त लगेगा, मगर रास्ता अच्छा है, बीच जो जंगल मिल रहे थे, पेड़ पौधे हैं, तो धूप की तपिश कम लग रही है, तो सफ़र करने में आसान हो रहा है बाइक में, और बाइक में चलने का अपना मज़ा है। मैं बस से या ट्रेन से ट्रैवल नहीं करता हूँ, मैक्सिमम 250-300 किलोमीटर जो होता है मैं अपने बाइक से ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि कुछ छोटे छोटे गाँव मिलते हैं, हाईवेज मिलते हैं, पहाड़ मिलते हैं रास्ते में, जंगल मिलते हैं, वहाँ रुक के वीडियो कैप्चर करता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, अच्छा लगता है। तो चलते हैं गाइस, अभी 5 मिनट में बैठूँगा, फिर बढ़ते हैं आगे। ये पूरा जंगल एरिया है फ्रेंड्स, यहाँ अक्सर हाथी निकला करते हैं रात में, तो यहाँ बहुत सारे बोर्ड हैं कि सावधान रहे, हाथियों से बच के चले, तो यहाँ ज़्यादा हॉर्न भी यूज़ नहीं करना है, देख सकते मेरे पीछे भी। और अभी यहाँ से लगभग 30-45 किलोमीटर बचा है मुझे पहुँचने में, तो अभी यहाँ थोड़ा सा मैं हाईवे में एक छोटा सा स्टॉल है, देख सकते हैं पीछे मेरे, अभी यहीं रुक के मैंने पानी लिया, मुँह हाथ धोया हूँ, चाय पिया हूँ, अभी 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद अभी सीधा अपने डेस्टिनेशन पे निकलूँगा, और मुझे लगभग मुझे लगता है कि 1 घंटा और वक्त लगेगा मुझे पहुँचने में, तो आगे पहुँच कर अपने लोकेशन पर उसके बाद मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करूँगा। तो गाइस उम्मीद है व्लॉग अच्छा लग रहा हो, अगर लगे व्लॉग अच्छा मेरा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी हाईवे के पास हूँ मैं, और यहाँ पे भी नो डाउट गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गर्म लग रहा है, अब मॉर्निंग में धूप थी तो गर्म नहीं था, मगर अब धूप तेज़ होने के बाद गर्मी स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। यहाँ थोड़ा छाया था पेड़ का, तो यहाँ थोड़ा मैंने रेस्ट लिया है, बस अब 5 मिनट के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा गाइस, और अपनी जगह पर पहुँचने के बाद अपने व्लॉग को ख़त्म कर दूँगा। तो चलते हैं गाइस, अभी 5 मिनट रेस्ट करता हूँ फिर निकलता हूँ मैं। तो गाइस यही है मेरा डेस्टिनेशन, यहाँ कंपनी का एकोमोडेशन है फिलहाल, अभी टेम्प्ररी मैं यहाँ गाड़ी लगा दिया हूँ, अभी मैं टेम्प्ररी यहाँ रहूँगा, अभी प्लांट जाना है, प्लांट जाने के बाद शाम में आके कहीं होटल में शिफ्ट करूंगा, क्योंकि ये वर्कर एरिया है, फिलहाल टेम्प्रेरी भी यहाँ रहूंगा मैं कुछ देर के लिए, प्लांट जाना है, उसके बाद प्लांट से आने के बाद हम लोग शाम में कहीं होटल शिफ्ट हो जाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग में ये ख़त्म करता हूँ, हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, ये मैं अपने रूम पर जा रहा हूँ, रूम पर आके कपड़े वगैरह चेंज करूँगा, फ्रेश हो जाऊँगा, फ्रेश होने के बाद हम लोग को सीधा प्लांट निकलना है, प्लांट में 2-3 घंटे का काम है, उसके बाद वापस शाम में आऊँगा, यहाँ कुछ मार्केट्स वगैरह घूमूँगा, देखूँगा। ओके गाइस, अपने ब्लॉग को ये ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस होती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।